गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आवर सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द करंट, इट्स टाइप्स, दैट इज एसी करंट, डीसी करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ एंड एनी मैनी अदर टॉपिक्स. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोबिलिटी ऑफ चार्ज. चार्ज मोबिलिटी हम म्यू से डिनोट करते हैं और चार्ज मोबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर. करंट कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम वी डी से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं. और हम पीछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होती है ई बाय में एम इंटू में टाउ. तो ये हमने यहाँ पर देखा था कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, यानी हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं चार्ज को. ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. टाउ क्या है? मीन रिलैक्सेशन टाइम, यानी जितने टाइम के अंदर जब वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं इन एक कंडक्टर तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो उनका जो टाइम होगा कोलिजन का उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं. और मास क्या है? एम. एम का अर्थ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो म्यू या चार्ज मोबिलिटी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी क्यू ई बाय में एम. ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ओम्स लॉ को ड्राइव कैसे कर सकते हैं. तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से, तो यहाँ पर देखो जो ओम्स लॉ है वो हमने किया था वी इज इक्वल टू आई आर, और यह आप 10th क्लास में भी रीड कर चुके हो. तो यहाँ पर हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इक्वेशन है वी डी इज इक्वल टू ई ई बाय में एम इंटू में टाउ. और इसके बाद हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इक्वेशन हम E इज इक्वल टू वी बाई एल यूज करते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूँ तो यहाँ पर जो VD है वो होगा E, और E की वैल्यू हमने रख दी V बाई में L, टाउ और M. तो हमने ये इक्वेशन E की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ये होगी. अब हमें पता है कि जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन था वो हमने किया था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बोल सकते हैं. ई क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. और यहाँ पर वी डी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. तो यहाँ पर हम देखें एन ई ए और वी डी की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन से रखेंगे, तो ये हमारे पास ई टाउ वी बाय में एम एल. अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो एन ई और ई की मल्टीप्लाई ई स्क्वेयर ए टाउ बाय में एम एल, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी. अब यहाँ पर इनटू में वी, वी हमने बाहर रखा और इन सभी चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर रखा. इनको अंदर क्यों रखा? क्योंकि देखो एन का अर्थ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी भी कंडक्टर के लिए ये वैल्यू फिक्स होगी. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट इज आल्सो कॉन्स्टेंट. ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो कॉन्स्टेंट. टाउ की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट होता है, और लेंथ जो भी हम कंडक्टर लेंगे वो भी फिक्स होगी. तो ये सभी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो हम इनको एक कॉन्स्टेंट 1/r से रिप्लेस कर सकते हैं और इनटू में v. तो हम इस इक्वेशन को अगर r को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई आर, यानी v इज इक्वल टू आई आर. यहाँ पर जो r है वो किसके इक्वल है? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे एम एल बाय में एन ई स्क्वेयर ए टाउ. तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो हम जो 10th में पढ़ते थे v इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर जो r है उसका मीनिंग होता है कि वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मीन रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, तो ये हमारी r की वैल्यू होती है, तो इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं. इसके बाद है करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी को हम j से डिनोट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द
इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एनी पॉइंट इन ए कंडक्टर। अगर मान लेते हैं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का है वो ए से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यानी करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको आई से डिनोट करते हैं, और जो करंट डेंसिटी है उसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो करंट डेंसिटी को लिख सकते हैं आई बाय ए। तो हमें पता है करंट है वो किसके इक्वल होता है, एन ई ए वी डी बाय में एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, एन ई वी डी। तो ये हमारी करंट डेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी एन ई वी डी। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वी डी क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारी करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी। नाउ फॉर आवर होमवर्क, होमवर्क के लिए देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन, अगर ये टॉपिक है तो उनके ऊपर कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन चार्ज मोबिलिटी या डिफाइन द मोबिलिटी ऑफ चार्ज। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट आर इज इक्वल टू एम एल बाई में एन ई स्क्वेयर ए टाउ, या हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं डिड्यूस द ओम्स लॉ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, थर्ड है डिफाइन द टर्म करंट डेंसिटी एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। ओके, आई होप दैट यू विल डू दीज टॉपिक्स क्लियरली एंड रिवाइज द प्रीवियस सिलेबस आल्सो। थैंक यू।